हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त आरिफ। यूथ एजुकेशन सोसाइटी की तरफ से ये हमारा नौवां एपिसोड है। इसके अंदर में आज हमारा जो टॉपिक है वो है एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हिंदी में जिसको कर्मचारी चयन आयोग बोलते हैं, कि जितने भी जो है जो जॉब्स लगती हैं अलग अलग मिनिस्ट्री में वो इसी के थ्रू लगती हैं। तो मैंने 4-5 सेक्शंस बनाए हैं, इंशाल्लाह वन बाई वन वी विल बी डिस्कसिंग। तो पहला जो है SSC-CGL की, जैसे ही नाम से ही पता चल रहा है, CGL यानी कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। तो इसमें ग्रेजुएशन जो है चाहिए, ग्रेजुएशन वाले जो बंदे हैं उन्हीं के लिए है ये ऐसी सारी जॉब्स। और इसे क्या बन सकते हो आप, तो अपनी नॉर्मल लैंग्वेज में आपको बता देता हूँ। सब इंस्पेक्टर जैसे बन सकते हो आप, CBI हो गई जैसे, या IB है, इंटेलिजेंस ब्यूरो वहाँ पे, या इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में आप इंस्पेक्टर बन गए, या ऐसी जो भी जॉब्स होती हैं डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ में, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर है, या अलग अलग जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ हैं उनके अंदर में ऐसी जॉब्स होती हैं जो जूनियर अकाउंटेंट जैसे हो गया, इस तरह की सारी जॉब्स जो है SSC के थ्रू ही भरी जाती हैं। अब जो है इसकी सैलरी की अगर अपन बात करें तो 40 से, मतलब अलग अलग जॉब्स की वैसे अलग अलग वो होती हैं सैलरीज़, लेकिन नॉर्मली जैसे जो मैंने देखा अलग अलग पोस्ट की तो 40 से ऊपर ही होती हैं लगभग की इस वाले में, तो CGL में, और 65,000 इवन 70,000 ऐसे भी जो है जाती हैं। और ये सब स्टार्टिंग सैलरीज़ हैं, जब आपका प्रमोशन और वो सब होगा तो उसके बाद में और ज़्यादा भी सैलरीज रहेंगी। तो जैसे इसमें टायर 1, टायर 2, टायर 3, टायर 4, 4 जैसे स्टेज होती हैं, लेकिन 1, 2, 3 जो है वो सबके लिए होती है। फोर्थ वाली जो है टायर 4, वो सिर्फ जो कंप्यूटर रिलेटेड जहाँ पे जितनी भी जॉब्स हैं अकाउंटेंट की या जो भी ऐसी जो भी जॉब्स हैं, मोस्टली जैसे कॉमर्स बैकग्राउंड वाले बंदों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है ऐसी जॉब्स में, तो उनके लिए वो टायर 4 वाली जो स्टेज है वो भी ज़रूरी होती है। इसके अंदर में मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अगर आपका मन भी हो कि ग्रेजुएशन लेवल के बाद में मैं SSC-CGL की जॉब्स में जाना चाहता हूँ, सब इंस्पेक्टर या जो भी बनना चाहता हूँ, या जैसा भी अगर आपका टारगेट है, तो आप 12th के जस्ट बाद में ही जो है आप इसके लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है, ताकि आप जब तक जब ग्रेजुएट होंगे तब तक ही जो है आपका एक अच्छा लेवल हो जाएगा एंड आप जो है आराम से सेलेक्ट हो सकते हैं। इन दिनों में थोड़ा बहुत प्रोटेस्ट और ये सब भी आपने देखा होगा SSC के, कुछ कुछ वो हुआ है प्रॉब्लम्स, बाकी काफ़ी मतलब फेयर हैं, लेकिन कंपटीशन थोड़ा रहता है ज़्यादा। IAS जितना नहीं है, लेकिन IAS के बाद में जो नीचे वाले जैसे लेवल के जैसे जॉब्स आती हैं उनमें SSC को मैं गिनता हूँ, और उसमें थोड़ा कंपटीशन रहता है क्योंकि सेंट्रल लेवल की जॉब्स भी होती हैं। और उसके बाद में जो मैंने एक जैसे अलग अलग जगह पे बात भी की तो बोला कि जो बच्चे जैसे फिज़िकली फिट हों और जिनको गवर्नमेंट जॉब्स में जाना हो उनके लिए मैं सेकेंड कैटेगरी की जो जॉब्स हैं उनको पॉइंट आउट ज़्यादा करूँगा। SSC-CPO यानी सेंट्रल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन, उसकी जितनी भी जॉब्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल SI हो गया आपका दिल्ली पुलिस में, ठीक है, फिर उसके बाद में SI हो गया सेंट्रल आर्मर्ड पुलिस फोर्सेस जितनी भी हैं, चाहे वो BSF हो या आपकी CRPF हो, SSB हो, ITBP हो, जितनी भी हैं 6-7, इन सब में जो है आप सब इंस्पेक्टर या ASI जैसे हो गया CISF में, ये सब के लिए आपको ये SSC-CPO जो है उसके थ्रू आपको वो कंडक्ट कराते हैं। उसका प्रोसेस सिंपल सा है, आपका पहले एक पेपर लगता है, उसके बाद में इसका फिजिकल टेस्ट होता है। पेपर फर्स्ट जो पेपर होता है वो 200 क्वेश्चन का होता है, 2 घंटे का पेपर लगता है। उसके अलावा फिजिकल में जो है आपको रनिंग चाहिए, जैसे 1600 मीटर 6.5 मिनट में दौड़ाते हैं शायद, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें रहती हैं, हाइट आपकी चाहिए 170 और उस हिसाब से सेमी, और ऐसे अलग अलग इनकी मेजरमेंट्स रहती हैं, वो सब में आप फिट होने चाहिए। इसलिए मैंने इसमें बोला कि जो फिज़िकली फिट जो बंदे हों और जो थोड़ा बहुत टेक्निकली भी एवरेज जैसे बंदे हों, उन लोगों के लिए बहुत अच्छा ऑप्शन होता है। और फिर उसके बाद में, इसके बाद में फिर से पेपर 2 लगता है, और मेरिट जो बनती है वो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की मिला के बनती है, और फिर आपका जो है मेडिकल करा जाता है। मेडिकल में भी जैसे आपकी आई साइट होगी 6x6 होनी चाहिए, और कई चीज़ें हैं वो घुटना और वो सब जो है चेक वेक थोड़ा करते हैं वो, तो मेडिकली अगर आप मतलब फिजिकली जैसे फिट हो तो आपको आपके लिए बेस्ट ऑप्शन ये रहता है, अगर आप टेक्निकली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो। और मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे 12th में काफ़ी बार ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा जो इंटेलिजेंट बंदे होते हैं वो IIT और मतलब नीट की तैयारी करने के लिए, जैसे MBBS और इंजीनियर, उन सब फील्ड्स में मान लो चले गए, लेकिन बहुत सारे बंदे जो होते हैं या तो उनके पास में इतने सारे पैसे नहीं हैं कि भाई वो IIT की तैयारी करते, 1-1.5 लाख रुपये उनकी कोचिंग नहीं की फ़ीस वगैरह में अगर उतना नहीं है, तो फिर या फिर आपकी जो है टेक्निकली आप बहुत ज़्यादा साउंड नहीं हो, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं हो, तो भी आपके लिए ये सारे ऑप्शंस जो हैं खुले रहते हैं।
तीसरा जो है वो 12th लेवल की बात करें, ये तो हो गए जैसे ग्रेजुएट लेवल के, ग्रेजुएशन चाहिए, SSC-CHSL जैसे मैं बोलूँगा, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल, तो इसमें सिर्फ 12th चाहिए, 12th पास बंदे जो है इस पेपर को दे सकते हैं। और इसमें जो जॉब्स निकलती हैं वो जैसे डेटा एंट्री ऑपरेटर हो गया आपका, LDC की जो जॉब हैं टाइप की, और एफर्ट जो है ऑलमोस्ट देखो पेपर का जो कहीं ना कहीं पैटर्न वो CGL से ही मैच खाता है, SSC-CGL से। तो इसमें भी आप कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो सकता है क्योंकि जैसे 12th पास के बहुत ज़्यादा बंदे मिलेंगे, तो ऑलमोस्ट एक्सपेक्टेड कंपटीशन जो है वो अच्छा खासा हो जाता है। उसके अलावा जैसे किसी बंदे को 10th के बाद में ही जैसे जॉब करना है, तो उनके लिए अभी भी जैसे निकली हुई हैं MTS की, मल्टीटास्किंग स्टाफ जिसको बोलते हैं, उसमें 10th पास सिर्फ चाहिए, अभी शायद 2018 के नवंबर में ही निकली हैं और 10,000 के आसपास भर्तियां निकली हैं, तो आप उनके लिए भी प्रिपेयर कर सकते हो। मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए भी 10th पास चाहिए सिर्फ उसमें। स्टेनोग्राफर जो है उनकी भी होती है, उसमें आपको टाइपिंग टेस्ट चाहिए, जनरल अवेयरनेस इंग्लिश और जो है रीजनिंग, ये सब की आप प्रिपरेशन करनी। और साथ में जैसे मैंने SSC-JEE को भी शामिल किया कि जिन बंदों को जैसे जिन्होंने सिविल मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल से जैसे जिन्होंने इंजीनियरिंग करी हुई होती है, तो उनके लिए जूनियर इंजीनियर की पोस्ट और इन सब के लिए जो है SSC कंडक्ट कराता है JEE का पेपर, तो जूनियर इंजीनियर जिसको बोलते हैं, लेकिन वहाँ पर फिर भी बंदे अवेयर होते हैं। ये जो है थोड़ा सा प्रोसेस, इसके लिए बहुत सारी अपने खास करके सिखावटी में बहुत कम अवेयरनेस है। कई कई बार बंदों के फ़ोन भी आते हैं, एक दो बंदों के, कि हम लोग जब ग्रेजुएशन करे उसके बाद में हमें पता चला कि जो है SSC क्या चीज़ है। तो मैं ये नहीं चाहता कि हमारे बच्चों के साथ में ऐसा हो, अगर उन्हें 12th के बाद में पता चल जाएगा तो वो जो है उसके हिसाब से तैयारी कर पाएंगे, और उनके पास में एक 3 साल का टाइम भी रहेगा, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, और जब वो थर्ड ईयर में आएंगे तब तक वो अच्छे खासे टेक्निकली साउंड हो जाएंगे, तो उनका सिलेक्शन भी बहुत आसानी से हो सकता है। बाकी आप जो है इनके बुक्स वगैरह तो जो अच्छे एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे से बता पाएंगे, लेकिन लूसेंट की GK और ये सब जो बुक्स हैं उनमें भी बहुत सारा इनका मटेरियल रहता है, तो वो सब आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक वोकेबुलरी आपकी इंग्लिश की जो है स्ट्रांग होनी चाहिए, तो उन सब पे आप मेहनत कर सकते हैं। बाकी एक मेरे दोस्त हैं नदीम, उनको हमने बोला हुआ भी है, वो इंशाल्लाह जो पर्सनल डेवलपमेंट है उसके ऊपर भी एक वीडियोज़ इंशाल्लाह बनाएंगे, और हमारी कोशिश यही रहती है कि डिफरेंट डिफरेंट जितने भी फील्ड्स हैं उनमें हमारे बच्चों को, खास करके शेखावाटी के गाँव के जो बच्चे हैं वहाँ तक जो है उनके पास में वो इन्फॉर्मेशन जाए कि उनके पास में क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऐसा ना हो कि उन्हें ये पता ही नहीं चले और पूरी ज़िंदगी जैसे चली गई। जिसका जो पढ़े लिखे हैं उनको तो थोड़ा बहुत पता है मान लो, ठीक है कि उन्होंने तो अपने बच्चों को अच्छी जॉब पे कैसे पहुंचाना है उनको थोड़ा बहुत आइडिया है, लेकिन गाँव में जो बच्चे रहते हैं उनको बहुत सारों को पता नहीं होता। तो इस कोशिश में हमारा साथ दीजिए, और जो है हमारे वीडियोज़ को जैसे भी आप शेयर करके या फिर आप अपलोड करके, हमारा कोई कॉपीराइट नहीं है, जैसे भी जिस भी आपके पास में जो भी चैनल है, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, जैसे भी आप उसको अपलोड करके या शेयर करके जैसे भी पहुंचा सकते हैं। और कोशिश हमारी ये रहती है कि जिन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंची वो दूसरे बच्चों को गाइड करें, ताकि ये एक चैन जो है वो आगे तक पहुँचे। और जजाकल्ला खैर, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच।